उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए, ताजा तरीन घटनाक्रम के लिए, देश विदेश से जुड़ी उन जानकारियों के लिए जो आपको जाननी चाहिए, और साथ ही हमारी खास स्पेशल स्टोरीज के लिए आप लगातार बने रहिए संवाद 365 के साथ। संवाद 365 के साथ बने रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। भ्रष्टाचार की नींव आखिर कितनी खोखली होती है, इसका अंदाजा पौड़ी जनपद के थली सेंट क्षेत्र में मंजन गांव से पोखरी जाने वाली पीएमजीएसवाई की सड़क को देखकर लगाया जा सकता है, जहां गुणवत्ता को ताक पर रखकर सड़क का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। सड़क पर बने पैराफिट इस बात की तस्दीक भी करते हैं। आलम यह है कि अगर वाहन अनियंत्रित हो जाए तो सड़क पर बने पैराफिट इस हादसे को कैसे रोक पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। सड़क का निर्माण उत्तर प्रदेश के एक ठेकेदार के द्वारा करवाया जा रहा है, लेकिन गुणवत्ता को देखकर लगता नहीं कि सब कुछ ठीक है। अब ऐसे में ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान भी हैं और नाराज भी। यही कहूंगी, हमारे तो रोड सही हुई है खराब, बाकी पानी ठीक ही था। इंटर कॉलेज गंगाओं तक जाता है पानी, तो पानी की परेशानी, बाजार तक दिक्कत है। बाजार है और कॉलेज है, इंटर कॉलेज गंगाओं और मजगाँव में हमारे 8-10 परिवार रहते हैं, उनके लिए भी पानी की कमी होती है, लाइन दोनों खराब है। इस रोड में आम जन के लिए अभी आपने देखा, आप ऊपर की जैसे कॉज बन रहे हैं, ये हमारे सुरक्षा के लिए बने हुए हैं, लेकिन उसमें कितना घटिया मटेरियल लगा हुआ है, आप सब देख सकते हैं इस बात को। और मैं सरकार से आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस खामी को कृपया दूर कर किया जाए और जो इस पे जो भी जिम्मेदार लोगों को सख्त दंड दिया जाए। सिर्फ निर्माण की गुणवत्ता से ही परेशानी नहीं है, बल्कि सड़क निर्माण में लगे मजदूरों का लाखों का भुगतान भी ठेकेदार ने नहीं किया है, जिससे सड़क निर्माण में लगे मजदूर भी परेशान हैं। देखो सर, हम अब ठेकेदार तो सिंगल ही हैं जी, अब हम क्या बोल सकते हैं, हाँ गारंटी कोई नहीं है दीवार का। अब बाहर से प्लास्टर तो ठीक है, थोड़ा इसमें कच्चा दिखाई दे रहा है, चिनाई का मसला ना। गांव में लेबर मुझे परेशान करती है, मैं लेबर को कहाँ से पैसा दूंगा, तो मैं गरीब आदमी हूँ, उसके विश्वास में मैं लेबर ला के दे दिया हूँ, वो पैसा नहीं दिया, वो घर भाग गया जी। वो बोलता है कि पैसा मैं नहीं दूंगा, जो करना हो कर ले, कोर्ट में करना है कोर्ट में चले जाओ, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओ। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी और जिले के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल को भी शिकायत की गई, जो कि अब इस मामले में जांच की बात कह रहे हैं, और अगर जांच सही पाई जाती है तो फिर कार्रवाई की बात भी कह रहे हैं। मैं समझता हूँ, अगर जिस तरह आप बता रहे हैं, अगर घटिया निर्माण होगा तो निश्चित रूप से जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। और लेबर का मामला, ये तो अगर ऐसी कोई बात संज्ञान में आएगी तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन के माध्यम से कहा जाएगा कि उनका भुगतान करें, लेकिन ये व्यक्तिगत मामला, उस पर देखिए अभी कमेटी बना रहे हैं, तो कमेटी के माध्यम से जांच कराएंगे, अगर कोई कमियां निकलती है तो उसमें हम जरूर कार्रवाई करेंगे, तो वो सारी चीज़ें देख लेंगे उसमें, क्योंकि इसमें रिटर्न हमारे पास ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं आया है कि उसमें लेबरों को कोई धनराशि दी गई है या नहीं दी गई है, जो मेहनत रन उनका है। अगर वो भी चीज़ आ जाती है तो उसकी भी जाँच करके हम उसमें कार्रवाई करेंगे। अगर प्रदेश में ऐसे ही सड़कें बनती रही तो हादसों के वक्त जरूर पछताना पड़ेगा, ऐसे में जरूरत है अच्छी मॉनिटरिंग की, ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके और क्वालिटी वर्क भी मिल पाए। संवाद 365 के लिए पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट।